हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ निकास पर। सो गाइस, आज मेरे मन में एक बात आई और मुझे ऐसा लगा कि ये बात आपके साथ शेयर करना चाहिए, इस बात को आप सभी के सामने रखना चाहिए। दोस्तों, हम सभी जब सूरज उगता है, जब सूरज का उदय होता है, तो हम सभी लोग सूरज को प्रणाम करते हैं, सूरज को नमस्कार करते हैं, सूरज को वंदन करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको नहीं लगता कि जब सूरज डूबता हुआ होता है, जब सूरज डूबने के स्थिति में होता है, तो क्या हमें डूबते हुए सूरज को प्रणाम नहीं करना चाहिए, डूबते हुए सूरज को वंदन नहीं करना चाहिए? दोस्तों, जैसे हम उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं, उगते हुए सूरज की वंदना करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, वैसे हमें डूबते हुए सूरज को भी नमस्कार करना चाहिए। वो इसलिए दोस्तों, जब सूरज उगता है, जब सूरज राइज होता है, तो सूरज जब उगकर अपने मॉर्निंग से लेके शाम तक की एक जर्नी कंप्लीट करता है, सुबह से लेके शाम तक एक साइकिल कंप्लीट करता है, और जब शाम के समय में जब वो डूबता होता है, तो वो अपने पूरे दिन के साइकिल को, अपने पूरे एक्सपीरियंस को कंप्लीट करता है। और डूबता हुआ सूरज एक फुल ऑफ एक्सपीरियंस होता है। इसलिए दोस्तों, उस फुल ऑफ एक्सपीरियंस को, सुबह से शाम के उसके एक्सपीरियंस को हमें प्रणाम करना चाहिए, हमें वंदन करना चाहिए, हमें नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि डूबता हुआ सूरज हमें एक बहुत बड़ी सीख देते हुए जाता है, अपना पूर्ण अनुभव हमें देते हुए जाता है। इसीलिए दोस्तों, हमारे भी जीवन में ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट लोग हैं जो हमारे लाइफ में रोल प्ले करते हैं, हमें भी उनको हमेशा वंदन करते रहना चाहिए, हमें भी उनको हमेशा नमस्कार और उनका हमेशा आदर करना चाहिए। जैसे कि हमारे पेरेंट, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, ये ऐसे लोग हैं जो हमेशा अपना लाइफ का, अपने जीवन का फुल ऑफ एक्सपीरियंस हमें बताते हैं। अपने पूरे लाइफ की एक साइकिल इन्होंने जी होती है, और पूरे लाइफ के साइकिल, पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस ये हमारे साथ शेयर करते हैं, पूरे लाइफ का ज्ञान हमेशा हमें देते हैं। और इनकी बताई हुई बातों को हमेशा हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमेशा इनके बताई हुई बातों पे ही चलना चाहिए, हमेशा इनकी बताई हुई बातों को हमेशा सुनना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, इन्होंने अपने लाइफ की एक साइकिल कंप्लीट किया है, इन्होंने अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस कंप्लीट किया हुआ है, और उस एक्सपीरियंस को ये हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, हमारे साथ उस नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। इसलिए हमें डूबते हुए सूरज को भी नमस्कार करना चाहिए। इसलिए हमारे भी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं दोस्तों, जो अपने पूरे कंप्लीट एक्सपीरियंस के साथ में होते हैं, तो उनकी बात हमेशा हमें सुनना चाहिए। सो दोस्तों, मुझे ऐसा लगा कि ये बात आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। सो गाइस, आज की ये बात अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए जोश के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के दोस्तों, स्टे ब्लेस, स्टे हैप्पी, एंड बाय बाय।